हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग हमें पता है, जिसे हम कहते हैं संचालन करने वाला। तो आइए पढ़ते हैं डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, inspiring and motivating the employees in the organization so that collective efforts of all results in achievement of organizational goal. तो जैसे कि ये कह रहा है, directing एक process है जिसमें हम people या employee को बताते हैं कि काम कैसे करना है और देखना कि वो अपने best ability के साथ उस काम को perform कर रहा है। इस function में होता है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग निर्देश देना, गाइडिंग मार्गदर्शक, काउंसलिंग परामर्श, इंस्पायरिंग प्रेरणादायक और मोटिवेटिंग मतलब प्रेरणा देना। ये सब चीज़ें इम्प्लॉयज़ को दी जाती है ताकि वो काम कर सके और जो उसकी इच्छित उद्देश्य है या डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है उसे वो अचीव कर सके। तो आइए इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग की वजह से कार्रवाई शुरू होती है। सेकंड आ जाते हैं फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन की शुरुआत की सुविधा, मतलब ये परिवर्तन लाने का एक बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है। नेक्स्ट है इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, मतलब कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करना, एकजुट करना। नेक्स्ट है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग की वजह से संगठन में संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है गाइड्स एम्प्लॉयज़ टू रियलाइज देयर पोटेंशियल फुली। डायरेक्टिंग की वजह से कर्मचारियों को उनकी क्षमता का पूरी तरीके से एहसास होता है और उन्हें गाइडिंग या मार्गदर्शन भी मिलता है डायरेक्टिंग की वजह से। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहला है सुपरविजन, सेकंड है कम्युनिकेशन, थर्ड है लीडरशिप और फोर्थ है मोटिवेशन, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।